संग्राहक का क्षेत्रफल अधिक होता है। ट्रांजिस्टर का महत्व, कई दफे क्लास में बच्चे मुझसे पूछते हैं कि साहब ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में हुआ, क्या उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थी? और आप जानते हैं कि कंप्यूटर तो बहुत पहले से ही, कंप्यूटर जैसी चीज़ें बना ली गई थी, तो उसका जवाब है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पहले से ही मौजूद थी, लेकिन उस वक्त जो भी युक्तियाँ थी, डिवाइसेस थी, वो निर्वात नलिकाओं से बनी हुई डिवाइसेस थी। ट्रांजिस्टर के आविष्कार के बाद बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे उनके ऊपर इसको वरीयता मिलती गई। मैं आपको कुछ कारण बताता हूँ, जैसे कई बार ये जनरल नॉलेज में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं, तो बहुत स्पष्ट कारण है कि ट्रांजिस्टर का महत्व है। आप कह सकते हो कि निर्वात नलिकाओं, वैक्यूम ट्यूब्स के सापेक्ष ट्रांजिस्टर में निम्न एडवांटेज होते हैं। पहला, इनमें चूंकि धाराएं कम होती हैं, इसलिए इनमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा हानि कम होती है। दूसरा, आकार में सूक्ष्म होते हैं, छोटे, सूक्ष्म का यहाँ ये अर्थ नहीं कि बिल्कुल माइक्रो, छोटे होते हैं, निर्वात नलिकाओं के मुकाबले बहुत ही छोटे। जैसे उदाहरण के तौर पर ट्रांजिस्टर का आकार लगभग मूंग या मोठ के दाने का होता है, जबकि ट्यूब बड़े आराम से आपके बल्ब के आकार की होती है, इतना अंतर तो आप समझ लीजिए। तीसरा, इनमें शक्ति का अवशोषण कम होता है, हालांकि ये एक कमजोरी भी है इसकी, लेकिन ज़्यादा जगह ये फायदा देता है। ये तात्क्षणिक रूप से क्रियाशील होते हैं, इसका अर्थ समझिए। आपने देखा होगा जितने भी आपके टेप, ट्रांजिस्टर, मोबाइल, इन सब में आप पावर ऑन करिए और तुरंत चालू हो जाते हैं, जबकि आज के 30-40 साल पुराना अगर रेडियो आपके घर में कभी है जो वैक्यूम ट्यूब से संचालित है, तो आप देखोगे कि उसको ऑन करने के कुछ मिनट पश्चात जब वो गर्म होती है सारी निर्वात नलियाँ, तब धारा का चालन होता है और वो स्टार्ट होता है। तो ये जो कमजोरी है वो ट्रांजिस्टर ने दूर कर दी, ट्रांजिस्टर के आविष्कार ने, ये तात्क्षणिक रूप से क्रियाशील होते हैं, ऑन ऑफ का सिस्टम इनका तुरंत होता है। और पांचवें नंबर पे आप कह सकते हो कि निम्न वोल्टता पर परिचालित होते हैं, ये एक बड़ा फैक्टर है। मैं आपको एक अंदाज़ा भी देता हूँ, जितनी भी सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस हैं जैसे ट्रांजिस्टर या और, 20 वोल्ट के अंदर अंदर, जैसे कोई 9 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, कोई 6 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, कोई 15 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, कोई 18 वोल्ट पे, जबकि वैक्यूम ट्यूब्स को आपको कई 100 वोल्ट लगाने पड़ेंगे तब जाकर वो ऑपरेट होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, निम्न वोल्ट पर इनका परिचालन होता है। इसके अलावा प्रिय बच्चों, इनकी आयु भी अधिक होती है, आयु इसलिए अधिक होती है कि ये सेमीकंडक्टिंग डिवाइस की बहुत हल्की छोटी डिवाइसेज होती है, तो गिर भी जाए तो टूटने की कोई संभावना नहीं है, जबकि वैक्यूम ट्यूब सारी कांच की बनी हुई नलिकाएं होती है बल्ब की तरह, तो अगर भूलवश कहीं पर भी कोई झटका लग जाए या गिर जाए तो फिर उनके बचने की कोई संभावना नहीं, इसलिए इनकी आयु अधिक होती है और ये अधिक आसानी से उपयोग में, ये कुछ मुख्य गुण हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम ट्रांजिस्टर के आविष्कार के बाद निर्वात नलिकाओं को भूल जाएं। जहाँ उच्च शक्ति की आवश्यकता होती है
जहाँ उच्च धाराएं होती हैं और लंबे समय तक ऑपरेट जहाँ करना होता है वहाँ पर हम वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर आज भी अंतरिक्ष विज्ञान में वैक्यूम ट्यूब्स का ही बोलबाला है। सारे सैटेलाइट्स इत्यादि में आप ये देखिए कि वहाँ अधिक समय तक उच्च ताप या निम्न ताप या उच्च वोल्टता पर कार्य करने के लिए अधिक शक्ति के कारण निर्वात नलिकाओं का ही वहाँ सर्किट्री में यूज किया जाता है। प्रिय छात्र छात्राओं, ट्रांजिस्टर के महत्व के बाद मैं ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि पे आऊँगा। देखिए, ट्रांजिस्टर को हम किसी भी परिपथ में तीन तरह से यूज कर सकते हैं। कौन कौन से तीन तरीके हैं? पहला है दोनों संधि अग्रबाह्यित हो, दूसरा है दोनों संधि पश्चबाह्यित हो, और तीसरा है ईबी संधि यानी एमीटर बेस जंक्शन अग्रबाह्यित तथा सीबी जंक्शन यानी संधि पश्चबाह्यित। ये आप देखें, ईबी संधि अग्रबाह्यित और सीबी संधि पश्चबाह्यित, तो इन तीनों में इनका अलग अलग यूज है। दोनों संधि अगर अग्रबाह्यित होती है तो ट्रांजिस्टर एक स्विच के रूप में, ऑन स्विच के रूप में यूज करते हैं। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। यही चीज दोनों संधि अगर पश्चबाह्यित हो तो स्विच ऑफ की तरह व्यवहार करता है, और जो मुख्य उपयोग है इसका प्रवर्धक वो जब संधि अग्रबाह्यित ईबी और सीबी संधि पश्चबाह्यित हो तब इसका उपयोग हम एक प्रवर्धक के रूप में करेंगे। तो लाजमी है कि अगर आपको, हमें पहले ये स्पष्ट मैं कर दूं, तो आप देखिए कि जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर का उदाहरण लेता हूं। एनपीएन ट्रांजिस्टर का उदाहरण लेते हैं, ये इसका ये अर्थ नहीं कि पीएनपी में एक ही एक्शन, यह का ये एक्शन पीएनपी में भी होगा। तो एनपीएन का उदाहरण मैं लेता हूं। ये मान लीजिए एक ट्रांजिस्टर है जिसमें डोपिंग लेवल इस एन भाग का, जिसको मैं एमीटर नाम देने जा रहा हूं, अधिक है, बेस पी हो गया और ये कलेक्टर हो गया। निश्चित है कि जब आप एमीटर बेस जंक्शन को अग्रबाह्यित करना चाहेंगे तो एन को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे बैटरी के, यानी उसको पी के मुकाबले निम्न विभव पर रखा जाएगा। क्रिया समझाने के लिए मैं एक स्विच इस्तेमाल करता हूं या K1, और इसको आप देख लीजिए कि ये भी एन टाइप है। इसको पश्चबाह्यित करने के लिए एन को अधिक धनात्मक पर रखेंगे तो ये K2 एक स्विच हो गया, और आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ये सारी वोल्टेज वेरिएबल है, इसलिए मैं इन पे तीर के निशान लगा सकता हूं। मैं इमर्जी आए जैसे इसकी वैल्यू बदल सकता हूं। चित्र को देख करके ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, नहीं, इसमें हम किसी को भी कम या ज्यादा रख सकते हैं, ये अपनी इच्छा है। एन के अंदर बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक, लेकिन कुछ होल्स भी होंगे जिनको मैंने लाल रंग से बताया, अल्पसंख्यक, यहाँ ये बहुसंख्यक होंगे। और यहाँ अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रिय बच्चों, जब आप K1 को बंद करेंगे, जैसे मैंने मान लो K1 को बंद किया, तो एमिटर बेस जंक्शन में अगर बायस के कारण धारा प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ जाएंगे, होल्स इधर आएंगे, तो कुल धारा बाहर की तरफ आएगी। इसलिए मैंने उस निशान में, आप देखिए आज जो मैंने आपको कराया था एनपीएन में।